जोहार, आप देख रहे हैं एक नज़र विद सुभाष और मैं आज आया हूँ जहाँ पे ICT इंस्ट्रक्टर धरना दे रहे हैं और उनकी जो मांगे हैं उनको भी जानूंगा और कब से धरना दे रहे हैं और क्या क्या चीज़ें निकल के आई अभी तक इस धरने से, क्या किसने क्या आश्वासन दिया और कार्य कहाँ तक चला, ये सब सभी कुछ जानेंगे। तो पहले इनसे इनका परिचय जान लेते हैं। बताइए सर अपने बारे में। मेरा नाम विश्व नारायण है और मैं धनबाद जिले से हूँ। अभी हमारे साथ विश्व नारायण जी हैं और इनसे पूरा जो धरना हुआ है इसमें मैं बता दूँ, ये 22 तारीख से आमरण अनशन पे भी बैठे हुए थे। इनका धरना जो अनशन था, भूख हड़ताल, इनको तोड़ाया गया, क्या हुआ नहीं हुआ ये सभी कुछ हम लोग जानेंगे। तो बताइए सर, ये धरना सबसे पहले कि ये धरना पे बैठने का कारण क्या है, आप लोग धरना पे क्यों आए? देखिए सर, धरना पे हम लोग बैठे हैं, बहुत ही परेशान होकर यहाँ बैठे हैं और बहुत ही शोषित होकर के यहाँ बैठे हैं। चूँकि हम लोग ICT इंस्ट्रक्टर हैं, पूरे झारखंड राज्य के सरकारी स्कूलों में हम लोग कंप्यूटर शिक्षा देने का काम करते हैं। कंप्यूटर शिक्षा के अलावा वहाँ पे ऑनलाइन काम, जैसे ई विद्यावाणी पे अपलोड करना, SDMS को अपडेट करना, वहाँ के डेटा को तैयार करना, ऑफिस रिलेटेड जितना भी लेटर्स तैयार करना, कहने का मतलब सीधा है कि हम कंप्यूटर शिक्षक के अलावा वहाँ पे जितना भी कंप्यूटर से रिलेटेड काम, जो एक कलर का काम होता है, वो सारा करते हैं। फिर भी हमारा अगर वेतन देखें तो केवल मात्र 8,000 से 8,500 रुपया है, जो कहीं भी किसी तरह से उचित मुझे समझ में नहीं आता है। और कहीं ना कहीं 8,000 से 8,500 में एक हाईली स्किल, चूँकि हम लोग का जो चयन हुआ है वो BCA कोई है, कोई MCA है, कोई BSc IT के, MTech BTech के हैं, जो हाईली स्किल में आते हैं। एक हाईली स्किल का जो होता है सैलरी, अगर न्यूनतम वेतन जो झारखंड सरकार जो अप्लाई करके रखी हुई है वो न्यूनतम 19,600 समथिंग है और हमें मिलता है 8,000, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा शोषण हो रहा है। इसके अलावा हम लोगों का क्या है कि जितने भी ICT इंस्ट्रक्टर पूरे झारखंड राज्य में हैं, महिला ICT इंस्ट्रक्टर्स भी हैं, जिन्हें विशेष अवकाश जो उन्हें मिलना चाहिए, जो उनका अधिकार है, मातृत्व अवकाश जो उन्हें मिलना चाहिए, जो उनका अधिकार है, वो उन्हें नहीं दिया जाता है। तीसरा क्या चीज़ है कि जितने भी ICT इंस्ट्रक्टर हैं, जो भी ICT प्रणाली चल रही है झारखंड में, वो एक ठेकेदारी कंपनियों के द्वारा चल रही है, आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा चल रही है। आप सोच सकते हैं कि शिक्षा जैसी चीज़ और शिक्षा में कंप्यूटर शिक्षा जैसी चीज़ को आउटसोर्स के माध्यम से रखा गया है, जो थर्ड पार्टी कंपनियाँ बीच में आकर के अपने हिसाब से, अपने मनमाने ढंग से उसे चला रही हैं। जितने भी ICT इंस्ट्रक्टर को उन लोगों ने रखा है, उन पर शोषण कर रही हैं। जिनको मन करता है उन्हें रख लेती हैं, जिन्हें मन करता है उनको हटा देती हैं। तो इन सभी समस्याओं को लेकर के हम लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन में। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे आप बोले स्कूल का हम लोग सब काम करते हैं, आप लोग स्कूल में पढ़ाने के अलावा, मैं जैसा कि सुना हूँ, आप लोग शिक्षकों को भी प्रशिक्षण देते हैं ICT क्लास कैसे लेना है या कंप्यूटर के बारे में जानकारी देते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग कंप्यूटर शिक्षक जो बच्चे हैं वहाँ के, उन बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देने के अलावा जितने भी सरकारी स्कूल विद्यालय में शिक्षक है, किसी भी विषय के शिक्षक हो, उन लोगों को हम लोग प्रोजेक्टर पर कैसे पढ़ाया जाए, स्मार्ट क्लास कैसे लिया जाए, सभी का प्रशिक्षण हम लोग ही देते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि हम लोगों को इलेक्शन ड्यूटी में भी लगाया गया था, अभी कुछ दिन पहले जो इलेक्शन हुई लोकसभा का, उस इलेक्शन ड्यूटी में हमारे साथियों को लगाया भी गया। तो आप सोच के देखिए कि हम इतना सारा काम करते हैं कि भाई शिक्षकों तक को ट्रेनिंग हम लोग दे। ये किसी तरह से उचित नहीं बनता है, जो ICT इंस्ट्रक्टर स्कूल में कंप्यूटर जानकारी देने के लिए बच्चों को स्कूल में बहाल किए गए हैं, जिनका बहाली इस बच्चों को पढ़ाने के लिए हुआ है और स्कूल में शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए हुआ है कि स्मार्ट क्लास में किस तरह से पढ़ाया जाए, स्मार्ट क्लास में आप क्लास कैसे अच्छे से ले सकते हैं, और उनका सैलरी 8,000 है, जो किसी भी तरह से उचित नहीं है जैसा कि मुझे लगता है। और सर, ये तो पता चल गया कि आप लोग स्कूल में क्यों हैं, धरना पे क्यों हैं। आप लोग का धरना जो 4 दिवसीय था, 5 तारीख से 8 तारीख तक, इसमें क्या हुआ सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, चूँकि हम लोग का धरना स्टार्ट हुआ था 5 अगस्त को और 5 अगस्त से हम लोग का 8 तारीख तक जो धरना चला, 8 तारीख को हम लोगों ने JEPC के समक्ष हम लोगों ने धरना दिया था, जिसमें हम लोगों के साथ वार्ता हुई। JEPC जो प्रबंधक है वहाँ के, या फिर जो भी उनके प्रतिनिधि हैं, उन लोग के पाल पे वार्ता हुई और हमें लिखित आश्वासन दिया गया था कि आप जो मांगे हैं उस मांगों को 20 अगस्त तक सुनिश्चित कर लिया जाएगा और इसमें कार्रवाई अग्रसर कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक और आश्वासन, लिखित आश्वासन हम लोगों को मिला था कि इस धरने में या फिर जिस प्रोटेस्ट में जितने लोग यहाँ पर सम्मिलित हैं, उन पर किसी भी तरह की कोई अनुशासनिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ आपके चैनल के माध्यम से कि लिखित आश्वासन के बावजूद ये मनमानी करती हुई कंपनियां हमारे साथियों को टर्मिनेट कर देती है, ये बता करके कि आपने JEPC प्रोटेस्ट किया था। तो समझिए कि JEPC लिखित आश्वासन हमें देती है कि प्रोटेस्ट किए लोगों पे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, और कंपनी उसके विपरीत टर्मिनेट कर देती है कि आपने JEPC प्रोटेस्ट किया था, इसलिए आपको टर्मिनेट किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं सर कि JEPC कंपनी पे हावी है या कंपनी JEPC भी आज हावी हो गई है, चिंतनीय विषय है सर।
ये जो मांग था, जो मांग पत्र आप लोग वहाँ पे दिए थे और जो उसमें निकला था कि ये आपकी मांगे पूरी की जाएंगी, वो क्या थी, आप थोड़ा सा उसके बारे में बता सकते हैं? मुख्य मुख्य मांगे जो हमारी मुख्य मांगे है सर, कि हमें एक सम्मानजनक वेतन मिले। चूँकि आप बगल में देखिए हमारा बंगाल है, वहाँ उनके वेतन स्टार्टिंग वेतन अभी 30,000 हो चुकी है और बंगाल से झारखंड में कितनी दूरी है, वहाँ पे एक आईसीटी इंस्ट्रक्टर को 8,000 मिल रहा है। तो हमें एक सम्मानजनक वेतन, कम से कम हम लोगों की मांग थी कि 25,000 कम से कम हमारा समाज एक सम्मानजनक वेतन कर दे, वो हमारी सबसे मुख्य मांग थी। दूसरा कि बंगाल और अन्य जिलों के तर्ज पे हमारा सरकार समायोजन करे। चूँकि हम लगातार पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर शिक्षा के खत्म होने वाली नहीं है, ये लगातार सरकारी विद्यालयों में बढ़ती जा रही है, स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है, कक्षाएँ की संख्या बढ़ती जा रही है, तब ये आउटसोर्सिंग कंपनियाँ जो हैं इनका क्या काम है? जो बीच में आउटसोर्सिंग कंपनियाँ हैं उनको हटा करके हमारा समायोजन करके सरकार अपने अंदर पकड़ ले, ये दूसरी हमारी मुख्य मांग थी। तीसरी मुख्य मांग में ये थी कि जो महिलाएं हमारी जो आईसीटी इंस्ट्रक्टर हैं उन्हें विशेष अवकाश दिया जाए, मातृत्व अवकाश दिया जाए, जो उनका अधिकार है। ये हमारी तीन मुख्य मांगें थी सर। ये जो आप लोगों का धरना चला, जो आप लोग 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक किए, इसके बाद में फिर आप लोग वापस आ गए 22 तारीख को, 22 अगस्त को। इस 22 अगस्त को वापस आने का क्या कारण था? देखिए सबसे बड़ी विडंबना यह है, मैं बता दूं कि जेपीसी के लिखित आश्वासन के बाद 20 अगस्त तक ना ही हमारी मांगों को सुनिश्चित किया गया, ना ही उस मांगों पे क्या कार्रवाई हुई इसकी सूचना हमें दी गई। उल्टे हम लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की जेपीसी से, वहाँ के प्राधिकारी कर्मीगण हमारे फ़ोन रिसीव नहीं, हम लोग जाकर के कोशिश की, वार्ता की, तो हमसे भेंट नहीं किया गया। इसका मतलब साफ था कि जो हमें आश्वासन मिला था वो केवल एक आश्वासन की पोटली थी, एक केवल छलावा था और इसमें कोई कार्रवाई नहीं। इसके विपरीत हमारे जो साथी थे तन्मय कुमार और एक लड़का सुमंत कुमार, वो दोनों लड़कों को टर्मिनेट कर दिया गया। इससे परेशान होकर, इस शोषण से होकर के हम लोग फिर से आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं कि हमारी मांगों को सरकार जो शिक्षा विभाग है जेपीसी है पूरी करे, और हमारे जितने भी आईसीटी इंस्ट्रक्टर साथी हैं जिन्हें कंपनियां मनमाने ढंग से इस तरह से टर्मिनेट कर दी है, जब ये उन्हें बार बार टर्मिनेट करने का धमकी देती है, इसको बंद करें। जेपीसी ऐसी कंपनियों को जो हमेशा आईसीटी इंस्ट्रक्टर को डराने और धमकाने का काम करती है और अब मनमाने ढंग से टर्मिनेट करने की कोशिश करती है उन्हें सीधे तौर पर ब्लैकलिस्ट किया, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की सर। और इसी धरने के बीच आप लोग शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए भी गए, शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव भी किया, तो इससे क्या हुआ सर, इसमें क्या निकल के आया सामने? जी, चूँकि हम लोग शिक्षा मंत्री का घेराव भी करने गए थे और वहाँ से घेराव के क्रम में जो हमारी प्रतिनिधि थे वार्ता के लिए बुलाया गया और हमें हमारे सामने एक लेटर तैयार किया गया शिक्षा सचिव के नाम से, और लेटर को बना करके हमने मांगों को बना करके अग्रसर कर दिया गया कार्रवाई के लिए, और वो पूरी तरह से आश्वस्त हम लोगों किए हैं कि किसी भी हाल में आपकी मांगों को हम लोग पूर्ण करेंगे, अपूर्ण करने की कोशिश की जा रही है। और फिर से हम लोगों को ये बोला गया है कि आप 2 तारीख के बाद फिर से एक बार आइए, हम आपको बताएंगे कार्रवाई कहाँ पर। मतलब पॉजिटिव कहीं ना कहीं से आपको पॉजिटिव मिला रिपोर्ट, कहीं ना कहीं एक कुछ आशा की किरण वहाँ से दिख रही है मुझे, और देखते हैं अब क्या हो पाता है 2 तारीख तक। उसके बाद फिर आप लोग सीएम आवास का घेराव किए, इसमें क्या हुआ, सीएम आपसे बात किए नहीं किए? जी, चूँकि हम और हमारे जो संघ के लोग हैं, हमारे साथी हैं, कई बार सीएम से मिलने की कोशिश किए, 2-3 घंटा उनके आवास से बैठे रह गए, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। इसलिए हम लोगों ने एक साथ वहाँ पर जाकर अपनी आवाज़ अपनी मांगों को रखने का काम करने के लिए उनका घेराव किए थे, और उस बीच वहाँ पे फिर वही वार्ता के लिए हमें 3 प्रतिनिधियों को बुलाया गया और वहाँ पे हमें एक लेटर तैयार करके दिया गया और उस लेटर को भेज दिया गया शिक्षा विभाग शिक्षा सचिव के पास कि लेटर हम बना के शिक्षा सचिव के पास भेज रहे हैं, जल्दी आपकी मांगों को सुना जाएगा, और इसमें मांग जिस मांगों पर कार्रवाई करने के लिए शिक्षा सचिव के पास हमारा लेटर पहुँच चुका है और हम उसको ब्लॉक कर रहे हैं। तो आप शिक्षा विभाग गए, शिक्षा मंत्री से मिले, सीएम आवास गए, उनसे भी वहाँ पे वार्ता हुई और दोनों जगह से लेटर तैयार करके आपकी जो पत्र है वो आपकी मांग पत्र है, उस मांग पत्र को स्कूली साक्षरता विभाग के पास भेजा गया। तो अब क्या लगता है उधर से क्या आने वाला है और ये कब तक आपका हो जाएगा? और चूँकि शिक्षा सचिव के पास ये मामला गया है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल शिक्षा मंत्री और जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में है और उनका जो लेटर गया हुआ है उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी और हमारी मांगों को सुना जाएगा, ये हम आशा करते हैं। और एक आशा की किरण वहाँ से झलक रही है, अब देखना है कि अब किस हद तक वो किरण अपना चमत्कार दिखाती है और कहाँ तक वो बात हमारी बन पाती है, और हम लोग लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं, लगातार हम लोग जाकर के कार्यालय में पता कर रहे हैं, और अभी भी हमारे साथी 2 लोग साथी गए हैं शिक्षा विभाग के सचिव कार्यालय में, और जैसा सूचना मिल रही है कि पेपर बढ़ रहा है और काम चल रहा है उस पर। सर एक और चीज़ जानना चाहेंगे,
जब आपकी मांग पत्र ले ली गई, स्कूली साक्षर विभाग को भेज दी गई, फिर भी आप लोग अनशन पे बैठे हैं, इसका क्या कारण है और ये अनशन अभी ख़त्म होने वाला है या फिर लंबा चलने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात है सर कि हम लोग इतने बार चले गए हैं, इतने बार हम लोग के साथ विश्वासघात हो चुका है, चूँकि JEPC खुद जब रिटर्न लिख करके हमें दी, ये मौखिक आश्वासन का क्या भरोसा? तो पिछले बार भी हम लोग को लिखित आश्वासन मिला था, इस पर कार्रवाई नहीं हुआ। तो उस विश्वासघात को देखते हुए हम तब तक यहाँ बैठते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, जब तक हम आश्वस्त नहीं हो जाते, जब तक हमें लिखित ए लेटर नहीं मिल जाता कि आपकी मांगें पूरी हो चुकी है, तब तक हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना पे ऐसे ही बैठे रहेंगे और हमारा धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलते रहेगा। इसके साथ साथ झारखंड की सभी ICTs कक्षाएं इसी तरह से बाधित रहेंगी जब तक कि हमारी मांगों को पूरा नहीं कर लिया जाता। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, विश्वनाथ जी यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि हम लोग धरना में तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं कर लिया जाता। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आप लोग यहाँ पे धरना में हैं जब से, तब से स्कूल में बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है, तो इसको लेकर सरकार बोल रही है कि आप लोग को बहुत जल्द बुला लिया जाएगा या फिर कुछ ऐसा कुछ है? सर, हम बात करें सरकार की, तो सरकार कहीं ना कहीं अब असंवेदनशील है मुझे लगता है, क्योंकि उन्हें सोचना चाहिए कि एक ICT इंस्ट्रक्टर जो एक बच्चों को, चूँकि सरकारी स्कूल में एक गरीब गुरबे के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ की शिक्षाएँ बाधित है, कंप्यूटर जैसी शिक्षाएँ बाधित है, उन्हें इस पर आगे बढ़ के पहले कदम उठाना चाहिए। लेकिन अभी सरकार के पास सभी ज्ञापन देने के बावजूद, इनके संज्ञान में होने के बावजूद, अगर एक महीने से कक्षाएँ बाधित है, उन्हें इस चीज़ पे चिंता करने की ज़रूरत है, उस पर चिंतन करने की ज़रूरत है, उस पर मंथन करने की ज़रूरत है, और उन्हें चाहिए कि जल्द से जल्द हमारी मांगों पे विचार करें और हमारी मांगों को सुनिश्चित करें, जिससे पूरा ICT कक्षाएँ जो बाधित है पूरे झारखंड में, जिससे हमें भी दुख है, वो जल्द से जल्द फिर से सुचारू रूप से चल सके। जी, आप यहाँ पे विश्वनाथ जी को सुन रहे थे और इनसे जाने क्या था मुद्दा, क्यों या ये धरने पे बैठे हैं, क्यों पूरे झारखंड राज्य में स्कूल में जो ICT की कक्षाएं चल रही थी वो बाधित है, और अभी जब तक मांगे पूरी ना हो जाए तब तक ये कक्षा इसी तरह से बाधित रहेंगी, ऐसा इनका कहना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी और स्कूली साक्षरता विभाग जल्दी से इस पर अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हुए इनकी जो मांगे हैं, इनकी मांगे को पूरा किया जाए, और ताकि जो गरीब गुरबा के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्हें अच्छी ICT शिक्षा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वनाथ जी का।